कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। सर्वप्रथम गुरुपाद पर वंदित लातो शोम शुभाज के कुशल शिष्य और भक्ति प्रमोद की गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मैं संत के कोटि जन्म का नाम ज्ञापन करते थे शिक्षा गुरु भाई मिथिला विष्णु विष्णुपाल स्तोत्र शिक्षण भक्ति विराज चला नारायण का श्री नाम एवं मिथिला विष्णु विष्णुपाल भक्ति विराज चला भक्ति गोस्वामी जी के चरण कमलों में मैं संत के कोटि जन्म का नाम ज्ञापन करते थे परम श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता एवं उनके समस्त परिवार जिनमें अन्यतम और जिनके द्वारा स्थापित श्री देवगण गौड़ीय मठ में आज हम गुरुदेव के अनुरक्त में श्री कपीर धाम परिक्रमा करते करते हुए मिथिला विष्णु विष्णुपाल भक्ति कल्याण के अभय चरणों में हमें साक्षी प्रणाम करते हुए उनकी भक्ति जिन्होंने मानव प्रभुपाद जी के चरण आश्रय करके एक संकल्प ही ले लिया था कि आजीवन प्रभुपाद जी के सिद्धांत की मैं संरक्षण करूंगा, प्रभुपाद जी के मनोभीष्ट को मैं पूर्ण करूंगा, उनका सर्वसही प्रभुपाद जी के मनोभीष्ट को पूर्ण करना ही था। परम गुरु जी यदि सिद्धांत पर कुछ विचार प्रकट करते तो वो भी प्रभुपाद जी के सेवा के अनुकूल होते हुए करते, यदि वे किसी का खंडन मंडन भी करते तो वे भी प्रभुपाद जी की सेवा करते, जैसे कोर्ट के इत्यादि वो तो यही सेवा करते। और श्री मायापुर धाम जहां पर जितने भी गौड़िया मठ हैं जहां पर इस्कॉन का भी हेडक्वार्टर है वे श्री मायापुर धाम का संरक्षण किसने किया? प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्री मायापुर धाम की प्रसिद्धि के लिए किसको बुलाया? जो ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज एंडरसन, जो कि एक राजा स्वरूप ही है भारत में ब्रिटिश के प्रतिनिधि। अब विचार देखो, यदि कोई ये कह सकता है कि प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये महाप्रभु जी के अनुगत में नहीं है, ऐसा कोई अपराध कर सकता है कहते हुए? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं राज दर्शन नहीं करूंगा, राजा प्रताप रुद्र का दर्शन नहीं करूंगा। राजा प्रताप रुद्र जो कि भक्त हैं, सभी भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं तो मुझको महाप्रभु का दर्शन करवा दो, परंतु महाप्रभु जी ने पूर्ण रूप से निषेध कर दिया। यहां तक कह दिया कि नित्यानंद प्रभु ने भी प्रार्थना कर ली, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी प्रार्थना कर ली, महाप्रभु जी ने कह दिया यदि अभी इसके पश्चात यदि कोई कुछ कहेगा तो मैं छोड़ कर ही चला जाऊंगा। महाप्रभु जी इतने विचार को स्थापित करने के लिए सन्यासी के लिए राजदर्शन नहीं है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वो तो राजा को निमंत्रण देते हुए और उनको मायापुर धाम में लाने के लिए कितना प्रयास किया और वो प्रयास भी पूर्ण हुआ। देखने में लग रहा विरोधाभास है परंतु वास्तव में इसलिए उस राजा को उस ब्रिटिश के प्रतिनिधि को मायापुर लाने में इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। परम गुरुदेव और अन्य अन्य जो गुरु वर्ग हैं सब पेंट कोट सूट पहनकर राजा का स्वागत कर रहे हैं, वो जो भी कुछ खाएगा हम उसको सब उपलब्ध करेंगे, लेकिन उसको एक बार मायापुर जरूर लेकर आएंगे। क्यों? यदि एक बार जा गए तो पूरे विश्व में धर्म बन जाएगा, बीबीसी में चला जाएगा और सारे विश्व में सबको पता लगेगा कि एक स्थान है मायापुर जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। यही भक्ति ठाकुर जी का मनोभीष्ट है जिन्होंने स्थान को आविष्कार किया। प्रभुपाद जी ने परम गुरुदेव के माध्यम से मायापुर धाम के संरक्षण किया और परम गुरुदेव जी इस किया जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को इसके संबंध
वापिस ले लो, हमको केस नहीं करना। लेकिन परम गुरु जी ने कहा प्रभुपाद वे तो आपको प्रहार करने थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, प्रभुपाद जी ने कहा उन्होंने मेरे शरीर पर प्रहार किया, मैं उनको क्षमा करूंगा, लेकिन जहां पर मेरे सिद्धांत पर प्रहार करेंगे तो मैं कभी भी चुप नहीं बैठूंगा। और केस जब वापस लिया गया तो पूरे कलकत्ता में न्यूज़पेपर अखबार में एक हेडलाइन आया। क्या हेडलाइन आया, नित्यानंद इज स्टिल प्रेजेंट, नित्यानंद आज भी उपस्थित है, जो मार के प्रेम दे एमन दयाल को नाई दे। प्रभुपाद जी ने वो केस वापस लिया, उनकी ख्याति बढ़ गई, सारे विश्व में ख्याति बढ़ गई। और क्या कहा, आज भी नित्यानंद उपस्थित है। ये सिद्धांत देखो, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी, अब ये जो मैं बात कहना हूं परम गुरुदेव की वृंदावनी जो उन्होंने प्रबंध लिखे उसमें से बात एक सिद्धांत है, बड़ा सुंदर। परम गुरुदेव उसमें बड़ी सुंदर एक बात लिख रहे हैं, जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब चटक पर्वत का दर्शन करते थे तो कहते थे ये तो गोवर्धन है, जब समुद्र का दर्शन करते तो कहते हैं तो कालिंदी है। यदि महाप्रभु जी ने चटक पर्वत को गोवर्धन के रूप में स्थापित कर दिया तो मैं समझना चाहता हूं, यदि महाप्रभु जी ने चटक पर्वत को गोवर्धन के रूप में स्थापित किया तो प्रभुपाद जी ने फिर क्यों उस चटक पर्वत पर ही बैठकर अपनी भजन मंदिर बनाई और वहां पर असंख्य नाम जप किया। क्योंकि गोवर्धन में तो कोई अपने पांव नहीं रख सकता, चरण नहीं रख सकता। इसी बात को लक्ष्य करके परम गुरु जी उस ग्रंथ में लिखते हैं, महाप्रभु जी चटक पर्वत को गोवर्धन के रूप में देखते हैं, वो भाव नेत्र से देखते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं महाप्रभु नहीं हूं, महाप्रभु जी समुद्र को जमुना मान रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं तो महाप्रभु नहीं हूं। परम गुरुदेव कह रहे हैं उसी सिद्धांत को लेकर मैं भी ये बात कहता हूं कि भले ही मेरे गुरुपाद पद भक्ति सिद्धांत सोचे ठाकुर प्रभुपाद जी ने सबको बहुत सारी उपाधियां दी। क्या उपाधियां दी, उनके हृदय में अहंकार का पर्वत देखा, प्रभुपाद जी ने उसको गोवर्धन मान लिया। उनके हृदय में एक ड्रेन देखा, नाली देखा, और प्रभुपाद जी ने उसको क्या मान लिया, कालिंदी मान लिया। परम गुरु जी कह रहे लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो वो गोवर्धन नहीं देख रहा हूं, मैं तो वहां पर क्या देख रहा हूं, अहंकार का पर्वत है। वो जो नाली उनके हृदय में बह रही है मैं उसको जमुना नहीं देख रहा हूं, वो तो मेरे गुरु पाद पद्म की महिमा है, वो तो भाव नेत्र से देख रहे हैं, लेकिन मेरे तो प्रभुपाद जैसे भाव नेत्र नहीं है। इसलिए जो मेरे प्रभुपाद के विरुद्ध जाएगा, उनके सिद्धांत के विरुद्ध जाएगा, मैं उस सिद्धांत के विरुद्ध जाने नहीं दूंगा। लेकिन परम गुरु जी की महिमा ये थी, भले ही वो सिद्धांत के विरुद्ध कोई लेख भी लिखते थे या कथा बोलते थे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता था, प्रभुपाद जी के चरणों में सबको लेकर आना। क्यों, प्रभुपाद जी के अनुगत हैं। एक विशाल जैसे माता का हृदय होता है, एक पिता का हृदय, उस प्रकार से सिद्धांत को खंडन करके उनको पुनः प्रभुपाद जी के चरणों में नमन करना, ये परम गुरु जी का उद्देश्य था। इसलिए परम गुरु जी सेंटर है, हेडक्वार्टर है, इस्कॉन का भी हेडक्वार्टर है, लेकिन परम गुरु जी ने वहां पर मठ स्थापित ना करकर इस नवदीप धाम में मठ स्थापित किए, जिन्होंने प्राण देकर उस मायापुर धाम का संरक्षण किया, लेकिन वो मायापुर में मठ स्थापित करके नवदीप में स्थापित कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि नवदीप के जो लोग ये सब नवदीप को ही महापुर का जन्म स्थान मानते हैं, इसको स्थापित किया। और प्रभुपाद मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उसका सर्वत्र प्रचार किया, यहां पर रहकर उनकी जैसे उनको इस बात का खंडन करना कि मायापुर ही महापुर का जन्म स्थान है। इससे जितने कठिन कार्य हैं वो सब परम गुरु जी ने अपने मस्तक पर धारण किए। इससे प्रभुपाद जी पर, प्रभुपाद जी को परम गुरु जी पर पूर्ण विश्वास कि यदि वो नौका वाले को यदि 10 गुना अधिक पैसा भी देते हैं तो भी इसमें मायापुर धाम की ही सेवा है। ऐसे परम गुरुदेव के विचार।
एवं उत्तम प्रिया महासंग्रह देवी तथा चंद्रदय कृष्ण सबधु नमस्ते। जहाँ पर ये कहा वो वधु अर्थात गोपी श्री कृष्ण के विरह में संताप करने लगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब अपने अनुगत जन से यही श्लोक श्रवण कर रहे थे, तुरंत उनका भोग किया, नहीं नहीं नहीं, मैं ये सहन नहीं कर सकता। क्यों? भक्ति ठाकुर जी का विचार है श्री कृष्ण विरह राधिका का दर्शन अमित और सही ले रहा है, मैं सहन नहीं कर सकता। हमारी स्वामी राधा जी श्री कृष्ण के विरह में संतप्त हो गई, लेकिन भागवत जी में तो दशम स्कंध में तो रात नवमे तो यही लिखा सबधु नमस्ते। वे गोपी क्रंदन कर रही है, विलाप कर रही है। रूपा जी ने तुरंत ही गीत गोविंद का श्लोक वहां पर रख दिया। बोलते हमको वसंत रास का श्लोक अत्यंत प्रिय है, जहाँ पर श्री जयदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इत सत अनुस्मृत अनंत मार्खी मनसा कृतानी वसंत कुंद विषाद मार हुआ। जहाँ पर श्री राधा जी राज छोड़कर चले जाए और श्री कृष्ण राधा जी के विलाप में प्रसन्न करते हुए राधे 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 बोलते हुए श्याम वर्ण से गौर कांति हो गए। और उसी सिद्धांत को भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के उस सिद्धांत को उनके इस विचार को उसी विचार को परंतु मुझे ने श्री विग्रह के रूप में स्थापित किया कि भागवत जी का और श्री जयदेव गोस्वामी जी के श्री गीत गोविंद का ही विचार राधा अलिंगित पवित्र। कैसे सुंदर सुंदर विचार, रस विचार श्री विग्रह स्थापन में भी विचार है, हरि कथा में भी सिद्धांत और विचार है। और रूपा जी के सेवक के लिए जहां जहां आवश्यक पड़ी परम गुरु जी कभी पीछे नहीं हटे। और परम रूपा जी की परम